हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट रो फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देखवाएँ। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। वैसे तो ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, फिर भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जोडियक साइन नज़र आ रही हैं वो हैं मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन, आपके पर्सन के साइन या फिर थर्ड पार्टी के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो आप देख सकते हैं ये पर्सन इस रिश्ते को बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स ये पर्सन डाल सकता है उतने एफर्ट्स डालने की कोशिश भी कर रहा है, फिर भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बार बार हर्ट कर रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, आप देख सकते हैं एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम है। एक तरफ ये पर्सन अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाल रहा है, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इस पर्सन को बार बार हर्ट किया जा रहा है। थर्ड पार्टी इस पर्सन को बहुत मुश्किल में डाल चुकी है, ये पर्सन कन्फ्यूज होकर रह गए हैं। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को अगर पूरी दुनिया मान लिया था तो आज इस पर्सन की दुनिया थर्ड पार्टी के आसपास ही सिमट कर रह गई है। पास्ट में जिस तरह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जीते थे, खुलकर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते थे, इस पर्सन को थर्ड पार्टी के रूप में एक ऐसा कर्मा मिला है जो इस पर्सन की ज़िंदगी को ना तो आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही ये पर्सन अपनी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं। ये पर्सन अपनी इच्छाओं को दमन करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हर्ट हैं, पर ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, इस पर्सन की वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी में ये एक ऐसे रिश्ते के रूप में इस पर्सन की ज़िंदगी में है जिसे ये पर्सन चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। कितना भी ये पर्सन हर्ट हो पर उसका साथ निभाना इस पर्सन ने जैसे कि अपना एक मकसद बना लिया है, फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं ना तो आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए जो फीलिंग, जो प्यार हैं यहाँ पर इन तीनों ही कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके लिए जो हमारे पास कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन और आपके बीच ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, जिस तरह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, वो यहाँ पर जो रीज़न नज़र आ रहा है वो है आप दोनों के बीच कास्ट इश्यूज़ का होना। इसीलिए इस पर्सन ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें होने के बावजूद इस रिश्ते से मुंह फेर लिया। इस पर्सन ने आपको अपने दिल से तो नहीं निकाला पर हाँ आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप इस पर्सन के लिए क्या हैं आज भी ये पर्सन जानते तो हैं पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन ने जिस थर्ड पार्टी का चुनाव किया है ना, अब ये उसी के जाल में फंस कर रह गए हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं, आपके लिए जो प्यार, जो फीलिंग्स महसूस करते हैं वो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र आ रही हैं। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, पर इस पर्सन ने जो रिश्ता थर्ड पार्टी से जोड़ा है उसे निभाने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। भले ही ये पर्सन बार बार हर्ट हो रहे हों पर इस पर्सन की मजबूरी बन गई है थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को निभाने की। पर इस पर्सन के मन में जो थॉट्स बार बार आते हैं आपको लेकर, वो एक ऐसे व्यक्ति के हैं जिसके लिए इस पर्सन के दिल में प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, और ये पर्सन दिल ही दिल में आपको अपना भी मानते हैं, पर ये पर्सन ने आपको जताना छोड़ दिया है क्योंकि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप काफ़ी हर्ट हैं, परेशान हैं, इस पर्सन के दूर जाने से आपको ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, और सही भी है, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। भले ही इस पर्सन के मन में प्यार कितना भी हो पर इस पर्सन ने तो एक ऐसे इंसान का चुनाव कर लिया जो इंसान इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचा चुका है। ये पर्सन भी देखकर हैरान होते हैं ये सारी चीज़ें कि इस पर्सन की अगर ये मजबूरी नहीं होती, आप दोनों की कास्ट एक होती या फिर आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम रही हो, कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है इस पर्सन की दूर जाने की,
जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, पर प्रॉब्लम जो भी हो, जिस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, थर्ड पार्टी का चुनाव कर लिया है इस पर्सन ने, पर ये पर्सन पछताते भी हैं, पर उस इंसान को छोड़ भी नहीं पाते, तो ये पर्सन काफ़ी मजबूर हैं, अपनी ख्वाहिशों का दमन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई बार ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, थर्ड पार्टी की बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। उसके साथ ये पर्सन फिर भी एक खुशनुमा माहौल बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहते हैं, और जितना भी ये पर्सन को हो सकता है ये हर संभव प्रयास करते हैं। उसके साथ इस पर्सन ने जो सपने देखे थे वो टूटकर बिखर गए हैं, क्योंकि इस पर्सन ने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और है। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये पर्सन आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी को चुनेंगे तो उसके साथ भी ये पर्सन खुश रह पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को थर्ड पार्टी से जो उम्मीदें थीं वो उम्मीदें इस पर्सन की टूटी हैं, इसीलिए अब ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स यहाँ किंग ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र आ रही हैं वो आप देख भी सकते हैं कि इस पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, पर अब ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहकर भी ना अब आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पर दहरपन का कार्ड भी देख रहे हैं ना, इस पर्सन को आपके बारे में जानने की उत्सुकता होती है, ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि आप किस हाल में हैं, पर इस पर्सन की हिम्मत नहीं होती कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकें। पर ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ थे ना वहीं पर अटक कर रह गए हैं, पर आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून है, इस पर्सन को सुकून नहीं रहा। आप अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन के बिना भी काफ़ी मुतमईन हैं, भले ही ये पर्सन आपके साथ नहीं है, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में सुकून से हैं, बल्कि इस पर्सन के मुकाबले तो काफ़ी सुकून है आपकी ज़िंदगी में। इस पर्सन को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कोहराम मचा हुआ है ना, पर आपकी ज़िंदगी में वो कोहराम नहीं मचा। आपको दुख है इस पर्सन के जाने का, आप कभी इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाएंगे, ये पर्सन भी जानते हैं ये बात। फिर भी ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस पर्सन को पता है ये गलती हो, या फिर उस वक्त ये पर्सन बहक गए थे, या फिर किसी की बातों में आ गए थे। जो कुछ भी हो आपके साथ तो गलत हुआ है, पर हाँ ये पर्सन अब इस गलती को सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि जिस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन ने रिश्ता बनाया है उस रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और आपकी तरफ रिटर्न वापस आना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ये पर्सन आपके लिए महसूस करते हैं, और इस पर्सन के मन में ये थॉट्स आते हैं कि एक नज़र ये पर्सन आपको देख पाएँ, आपसे बात कर पाएँ, दूर से ही सही आपका दीदार इस पर्सन को हो, पर यह भी मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि आप दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस है ऐसा लग रहा है, और आप इस पर्सन को अब अपने आप को हर्ट करने की इजाज़त भी नहीं देंगे। ये चीज़ भी यहाँ क्लियर नज़र आ रही है। तो यहाँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच तो कोहराम मचा हुआ है, बार बार थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हर्ट करती है, इस पर्सन की इच्छाओं को इस पर्सन को दमन करना पड़ता है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके लिए आज भी इस पर्सन के मन में प्यार है, ये चीज़ नज़र आ रही है। अपने फ्रेंड से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, और आपको देखने की ख्वाहिश अपने मन में लिए बैठे हैं, ये चीज़ यहाँ क्लियर नज़र आ रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।